खबर कोटा से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में आज कोटा में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, तो एक मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई। आपको बता दें कि कोटा में अब तक 17 लोगों की कोरोना से संक्रमित होकर मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 476 तक पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज आचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोटा के अधिकतर सभी इलाकों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है, इससे निपटना जिला प्रशासन के लिए फिलहाल चुनौती बना हुआ है। कोटा में भी यहां पर कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आज वहां से सामने आए, और आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई है आज कोरोना संक्रमण के चलते कोटा शहर में। लगातार जो संख्या है वो पूरे प्रदेश से सामने आ रही है। कोटा में इसी क्रम में 10 नए मामले आज सामने आए। 476 अभी तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस कोटा से सामने आ गए हैं। राहत की बात यह है कि इसमें से बहुत बड़ी वो संख्या है जो ठीक भी हो चुकी है, जिन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला है और अपने घरों को जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो बढ़ोतरी है आंकड़ों में वो लगातार बढ़ रही है। 10 नए मामले कोटा शहर से आज भी, एक संक्रमित मरीज की मौत के साथ। कोरोना के पॉजिटिव केसेस अभी तक कोटा शहर से दर्ज किए गए हैं। कोटा में जो कोरोना का कहर है वो शुरुआती दिनों में नहीं था, लेकिन एक विस्फोट के तरीके से यहां पर कोरोना ने अपना संक्रमण फैलाया। 476 मरीज पहुंच गए। राहत की बात यह है कि एक्टिव केसेस जो फिलहाल है वो कम है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, लोग ठीक हुए हैं। आज 10 केसेस वहां से हालांकि सुबह के बुलेटिन में सामने आए, एक मरीज की मौत भी हुई है कोटा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, बताएं, आज एक संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हुई कोटा में, 10 केसेस सामने आए, फिलहाल क्या स्थिति है कोटा की? जी जयति, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से कोटा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं वो एक जिला प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज कोटा के लिए एक बुरी खबर जरूर सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, और अभी तक कोटा में 476 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं और 17 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो जिला प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। जबकि एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटा का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर कोरोना ने अपने पैर नहीं पसारे हैं। यहां तक कि उन जगहों तक कोरोना संक्रमित मरीज निकलने लगे हैं जहां पर कोरोना के ना के बराबर चांसेस थे। दादाबाड़ी, तलमंडी, महावीर नगर इलाका जो पॉश कॉलोनी है, वहां तक कोरोना फैल चुका है। तो जिला प्रशासन के लिए चुनौती जरूर बना हुआ है कि किस तरह से इससे निजात पाई जा सके। हालांकि इसमें एक राहत की बात ये जरूरी है कि 300 से अधिक कि यूं कह सकते हैं कि 350 से अधिक जो कोरोना संक्रमित मरीज थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और उनकी घर वापसी हो चुकी है। लेकिन जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहा है, तो जिला प्रशासन इसे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जी योगेंद्र, एक और चीज बताएं, चूंकि कोटा का जो क्षेत्रफल है काफी छोटा है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, ऐसे में आप बता रहे हैं कि हर क्षेत्र से यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, और आज चूंकि लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन है, तो किस प्रकार से प्रशासन ने वहां पर व्यवस्थाएं की है? यदि लॉकडाउन 5.0 अब शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं रियायत जरूर मिली हुई है कोटा शहर वासियों को, मिली हुई है। काफी दुकानें यहाँ पे खुल चुकी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है, लेकिन जहाँ कर्फ्यू लगे हुए हैं, जहाँ जीरो मोबिलिटी घोषित की हुई है, वहां पर भी सर्वे जारी है। सबसे एक तरह से कह सकते हैं सबसे नेगेटिव जो पॉइंट रहा है वो जिला प्रशासन के लिए ये रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार सर्वे नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा पूरे शहर वासियों को भुगतना पड़ा है। अगर सर्वे लगातार जारी रहते तो ये संख्या कम भी हो सकती थी। लॉकडाउन चल रहा है, रियायत जरूर मिली हुई है, दुकानें जरूर खुली हुई है, उनके टाइम भी डिसाइड किए हुए हैं, पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालने की भी अपील की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई भी यहाँ पे की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ जिस तरह से कोरोना संक्रमण मरीज सामने आ रहे हैं, तो ये जरूर चिंता का विषय शहरवासियों के लिए, जिला प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा बना हुआ है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र। लगातार प्रदेश में जो कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी यहां पर दर्ज हो रही है। इसी बीच में आज लॉकडाउन 5.0 कहें या फिर उसे कहें अनलॉक
1.0 उसका आज पहला दिन है। तमाम रियायतों के साथ में यहाँ पर जनता की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे पटरी पर लाने का प्रयास सरकार के द्वारा। और भरतपुर से एवं संवाददाता राजेंद्र ज्योति फिलहाल जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। राजेंद्र बताएं भरतपुर की फिलहाल क्या स्थिति? राजेंद्र क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भरतपुर की फिलहाल क्या स्थिति है, कितने संक्रमित मरीज अभी तक वहां से सामने आए और कितने लोगों की अभी तक रिकवरी हुई? भरतपुर में कोरोना विस्फोट को लेकर के हालात चिंताजनक बने हुए हैं जी, और आज भी 45 केस आने के बाद कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 237 में हो चुकी है जी। और ये जो हालात 5 दिन में बने हैं, पहले 151 से बढ़कर के एकदम डबल के केसेज हुए, ये करीब 5-6 दिन में इन केसों में काफी संख्या बढ़ी है जी जी। इसको जो माना जा रहा है सब्जी विक्रेता की वजह से केस बढ़े, कुछ एसपी का गनमैन आया, उसके बाद डीआईजी का गनमैन आया, डीआईजी का स्टाफ के साथ एसपी का जो स्टाफ आया, आज रात को भी एसपी का स्टाफ के 13 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं जी। आज इस बात को लेकर के मतलब जो चिकित्सा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, चिकित्सा विभाग के 2 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनको लेकर के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी डॉक्टर सुभाष गर्ग आइसोलेशन में है, एसपी आइसोलेशन में जी जी। एसपी का बेटा भी पॉजिटिव आ चुका है और अभी भी हालात तो स्थिति ये है, अभी दोपहर का बुलेटिन आएगा था, उसके बाद इनकी संख्या और बढ़ सकती है। राजेंद्र एक और चीज बताएं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं भरतपुर में फिलहाल जो कोरोना का विस्फोट है एक तरीके से वो हो चुका है, इसी बीच आज लॉकडाउन 5 का पहला दिन है तो रियायतें यहाँ पर दी जा रही है, कितना प्रशासन ने यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं की है कि रियायतों के साथ में अब जो कोरोना का संक्रमण है वो भरतपुर से ना बढ़े? जी, नगर निगम क्षेत्र में जिला कलेक्टर की ओर से कर्फ्यू भी लगाया गया है जी, और सब्जी मंडी को पूरी तरह से बंद किया है, क्योंकि सब्जी विक्रेता की वजह से ये कोरोना वायरस एक समूह रूप में यहाँ भरतपुर शहर में फैला है, इसको लेकर काफी लोग संक्रमित हुए हैं। सब्जी मंडी की सब्जी बंद होने से लोग पालना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी, मास्क पहनने पड़ेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही इस पर रोक पड़े, लेकिन इस बात को लेकर के जिला कलेक्टर और राज्य सरकार और जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन सहित पूरी तरह से सतर्क है और एक चिंता का विषय बना हुआ है, सभी लोग चिंतित है कि कैसे इस पर अंकुश पाया जाए जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। लगातार प्रदेश भर से कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी, कोटा से आपने सुना एवं संवाददाता को कोटा की स्थिति बताई, भरतपुर से सुना भरतपुर में फिलहाल जो कोरोना का विस्फोट है एक तरीके से हो चुका है, 45 केसेस आज भी सामने आए और 12 से एवं संवाददाता वीरेंद्र सिंह फिलहाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र बताएं 12 की फिलहाल क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है फिलहाल वहां की कोरोना के संदर्भ में? अदिति मैं बताना चाहूंगा 12 में कुल पहले 14-15 के लगभग पॉजिटिव थे, पर आज सवेरे जैसे 12 में 27 के साथ ही कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले, इसमें 12 में प्रशासन हरकत में आ गया जी। हेलो जी 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 वीरेंद्र, फिलहाल वहां पर कितने अभी तक टोटल केसेस हैं और कितने लोग रिकवर हो चुके हैं इसकी संख्या बताएंगे? मैं बताना चाहूंगा 42 पॉजिटिव अब तक 42 पॉजिटिव हो गए, अभी कहीं सैंपल बाकी हैं जो भेजे गए हैं, अभी तक उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, शाम को 5 बजे तक उनकी कई लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद पूरा अपडेट बताया जाएगा जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र। लगातार प्रदेश से जो कोरोना के संक्रमण है उसमें दायरा जो कोरोना का है वो बढ़ता जा रहा है, इसी बीच में आज लॉकडाउन 5 भी शुरू हो चुका है, सड़कों पर आवाजाही लोगों की नजर आने लगी है, इतने दिन से पिछले 2 महीने से कहें तो जो आर्थिक गतिविधियां और जो जिंदगी की जो एक रफ्तार थी वो रुक चुकी थी, आज उसने अपनी गति को पकड़ लिया है, लेकिन अभी आवश्यकता है लोगों के समझने को लेकर कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना यहीं पर है, उसके साथ में कहीं ना कहीं हमें रहने की आदत डालनी पड़ेगी, ये सभी बड़े विभागों के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। और पाली से एवं संवाददाता मनीष राठौर फिलहाल फोन लाइन पर। मनीष बताएं पाली की क्या स्थिति है फिलहाल? जैसी बता देना चाहूंगा कि आज सुबह की सैरदेस की रिपोर्ट के अनुसार 21 जने पॉजिटिव आए हैं, इसको लेकर आंकड़ा 486 पहुंच गया है और एक्टिव केस हो गए हैं 284 जी, जिसमें जिले के 11 और पाली शहर के सब
पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ज्योति जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश की सरकार। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,980 के पार फिलहाल प्रदेश में। राहत की बात यह है कि रिकवरी की जो दर है उसने अपनी रफ्तार को पकड़ा है। 198 लोगों की मौत भी हुई है प्रदेश में, और राजधानी जयपुर वो जिला है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में पूरे कहा जाए तो पूरे 33 जिलों में कोरोना का जो संक्रमण है वो दायरा उसका बढ़ चुका है। लगातार यहां पर सरकार के द्वारा रियायतें दी जा रही हैं। लोग कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान ना हो और अपनी दिनचर्या में इन तमाम नियमों को ढाल लें। अपने आप को सैनिटाइज करना, अपनी हाइजीन का यहां पर ध्यान रखना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर फिलहाल जो कोरोना का संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं बन पाई है। पूरे देश मिलकर, पूरा विश्व मिलकर फिलहाल ये प्रयास कर रहा है कि जल्द ही इसका कोई वैक्सीन आए, और जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक ये जो कारगर उपाय है छोटे छोटे अपनी दिनचर्या में ढालकर हम इन चीजों से बच सकते हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं को भी पटरी पर लाना आवश्यक था। सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5.0 और कहा जा रहा है दूसरे तौर पर अनलॉक 1.0 के तहत तमाम सुविधाएं दी गई, और झुंझुनू से एवं संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत बताएं, झुंझुनू की क्या तस्वीर है कोरोना के संदर्भ में? जी जैसे बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू में जो कोरोना है वो लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। झुंझुनू में अब तक बात की जाए तो कोरोना के 137 जो कोरोना पॉजिटिव केस है उनकी संख्या 137 हो चुकी है। अभी दो नए ताजा पॉजिटिव केस आने के बाद झुंझुनू के अंदर कुल मिला के 137 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए अभी तक। सुजीत एक और चीज बताएं, लॉकडाउन 5 आज से शुरू हो रहा है तो झुंझुनू में क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा कि लोगों में संक्रमण भी ना फैले और तमाम जो रियायतें सरकार के द्वारा दी जा रही है लोग उसकी सुविधा को भी उठा पाए, क्या प्रयास किए गए सरकार के द्वारा? देखिए बिल्कुल सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन 5 के अंदर जो व्यवस्था की गई उसी को लेकर प्रशासन झुंझुनू के अंदर वो मुस्तैद नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि सोशल डिस्टेंस की पालना करें और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि कहीं कहीं जगह मास्क का प्रयोग भी नहीं होता और सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना नहीं की जाती। लेकिन उसी को लेकर प्रशासन अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रशासन को जल्दी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये जो कोरोना संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल 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 सही कहा सुजीत आपने। अभी प्रशासन को भी आवश्यकता है और जनता को भी आवश्यकता है आपसी समन्वय बनाकर इस चीज से डील करने में। अपने आप की ध्यान अपने खुद से रखें, और प्रशासन को जरूरत है कि जो लोग इस प्रकार की हिदायतों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सुजीत।